में हम बात करेंगे अबाउट हरियाणा सिविल जज एग्जामिनेशन, जिसके नोटिफिकेशन ऑलरेडी जनवरी में आ चुका है। एंड आई होप कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई भी किया होगा, बिकॉज देर आर ह्यूज वैकेंसीज। अबाउट 239 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। बट हम सभी एग्ज़ाम तो भर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन अप्लाई करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में अराइज़ होते हैं। दैट इज़ कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। चलो सिलेबस तो पता चल गया, बट हम प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, इसकी कट ऑफ क्या होती है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है। डेट पता होना भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जब तक डेट ना पता हो तब तक हम कैसे अपनी स्टडीज़ को चैनलाइज करें। सो इस वीडियो में मैं आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूंगी। सो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, सो दैट आपको आपके सभी क्वेश्चन का आंसर मिल सके। सो पहले हम जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक बेसिक स्ट्रेटेजी आपके माइंड में क्या होनी चाहिए। देर आर फोर थिंग्स और ऐसे फोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका आंसर इस वीडियो में मैं आपको करूंगी। फर्स्ट इज व्हाट इज़ द सिलेबस, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। सेकंड, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज कई स्टूडेंट्स यही नहीं समझ पाते कि वो अपने प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें। मेजर एक्ट्स को पहले कवर करें या माइनर एक्ट्स को पहले कवर करें, या फिर पेपर का लेवल क्या है, हम कितना पढ़ें, क्या पढ़ें। देर आर वेरियस थिंग्स जो कि बच्चों को कन्फ्यूज करती हैं। सो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और एक प्रॉपर डायरेक्शन अपनी प्रिपरेशन को दें, सो दैट आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कट ऑफ क्या होती है, बिकॉज कट ऑफ जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप कैसे इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे माइंड में कि आपको कितने क्वेश्चंस वहाँ पर सही करके आने हैं या आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज द पेपर कंटेन्स नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि आप सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें, बिकॉज द पेपर हैज नेगेटिव मार्किंग। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम, कि एग्जाम कब तक हो सकता है। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज फोर क्वेश्चंस। फर्स्ट इज सिलेबस, सिलेबस जानने से पहले हम जानते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। सो द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जस्ट लाइक सभी एग्जाम्स का यही पैटर्न होता है कि फर्स्ट इज प्रीलिम्स, सेकंड मेंस एंड थर्ड इज़ योर इंटरव्यू। सो प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन है दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, जिसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। इट मीन्स द पेपर इज ऑफ टोटल 500 मार्क्स, बट देर इज़ 1/4 नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। यानी कि हर एक क्वेश्चन को सही अटैम्प्ट करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। सो बी केयरफुल ऑफ दिस नेगेटिव मार्किंग। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो द सेकेंड स्टेज इज मेंस एग्जामिनेशन। मेंस इज योर सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपके पास 5 पेपर्स होते हैं ऑफ टोटल 900 मार्क्स। द 5 पेपर्स आर सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, इंग्लिश एंड योर लैंग्वेज पेपर। जब मेंस भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप पहुंचते हैं फाइनल स्टेज पर, दैट इज़ योर वेवा वॉस और वी कैन से इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका होता है 200 मार्क्स का, जो आपके ये मेंस के एग्जामिनेशन है, एंड प्लस आप अगर उसमें इंटरव्यू भी जोड़ दें तो 900 प्लस 200 मीन्स टोटल 1100 मार्क्स। तो जो आपकी फाइनल जो आपका सिलेक्शन है वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स गेंड इन मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। सो जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो डिसाइड होगी आउट ऑफ दिस 1100 मार्क्स। रिमेंबर दिस थिंग इन माइंड कि जो प्रीलिम्स है वो केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा अच्छे से तैयारी ना करें, बल्कि आपको प्रीलिम्स के लिए ही ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज जब तक आप प्रीलिम्स क्लैरिफाई नहीं करेंगे तब तक आप कैसे मेंस तक पहुँचेंगे। ओके, नाउ वी गो टू सिलेबस, कि सिलेबस क्या है इस एग्जाम का। द सिलेबस कंसिस्ट ऑफ टोटल 16 एक्ट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वन बाय वन, बट हम डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आप इन एक्ट्स को पढ़ें।
सो द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, जिसका आई थिंक कि आप लोग वेट कर रहे होंगे कि कब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें. सो अब हम बात करते हैं अबाउट हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम. सबसे पहले हमने क्या किया है, पूरे सिलेबस को मेजर एक्ट्स एंड माइनर एक्ट्स में डिवाइड कर लिया है. मेजर एक्ट्स आपके हैं CPC, IPC, CRPC, एविडेंस, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ इंक्लूडिंग द कस्टमरी लॉ एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये सब आपके क्या हैं, मेजर एक्ट्स हैं. मेजर एक्ट्स जो कि बहुत कॉमन है क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. अगर आप किसी भी स्टेट का जुडिशरी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर इन एक्ट्स को मोस्टली पूछा ही जाता है बिकॉज ये मेजर एक्ट्स हैं. ओके, देन वी कम टू माइनर एक्ट्स. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पंजाब कोर्ट्स एक्ट, हरियाणा अर्बन कंट्रोल, रेंट एंड एविक्शन एक्ट, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड योर लिमिटेशन एक्ट. ये आपके माइनर एक्ट्स हैं बिकॉज ये हर जगह नहीं पूछे जाते. देर आर सर्टेन माइनर एक्ट्स जो कि हर एक स्टेट में अलग से पूछे जाते हैं. सो ये जो मेजर एक्ट्स हैं ये आपके 90 to 100 क्वेश्चंस कवर करते हैं. अबाउट 90 to 100 क्वेश्चंस जो हैं वो मेजर एक्ट से पूछे जाते हैं एंड 25 to 35 क्वेश्चंस आप देखेंगे जो कि माइनर एक्ट से पूछे जाएंगे. ये जो मैं आपको क्वेश्चंस का रेशियो बता रही हूँ, दिस इज़ डिपेंडिंग अपॉन द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस. प्रीवियस ईयर में जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आया है उसको एनालाइज करके मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि जो मेजर एक्ट हैं उसमें से 90 to 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड रिपीटेडली जो माइनर एक्ट्स हैं उसमें से 25 to 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो ये तो हो गया कि किस तरह से हमने अपने सिलेबस को डिवाइड कर लिया. अब आप समझ गए कि देर आर सर्टेन मेजर एक्ट्स जो कि आपको पढ़ने हैं एंड देर आर सर्टेन माइनर एक्ट्स जो कि आपको पढ़ने हैं. एंड या रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो कि जो सिलेबस है वहाँ पर कहीं जनरल नॉलेज मेंशन नहीं किया गया है, बट अगर हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखें तो रिपीटेडली जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं, सर्टेन क्वेश्चंस जो कि हरियाणा स्पेसिफिक हैं. सो आप ध्यान रखें क्योंकि हर एक मार्क इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जनरल नॉलेज के लिए भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें. ओके, नाउ वी कम टू दिस पॉइंट कि अब हम इन एक्ट्स को पढ़ना कैसे शुरू करें, प्रिपरेशन अपनी कैसे स्टार्ट करें. सो फर्स्ट थिंग इज़ आप सबसे पहले मेजर एक्ट्स को उठाएं क्योंकि मेजर एक्ट्स जो हैं वो आपके एक लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं. अब मेजर एक्ट्स को पढ़ें कैसे, सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज पर कमांड होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि बेयर एक्ट में क्या लिखा गया है. सेक्शंस याद होने चाहिए जो कि बहुत कॉमन चीज़ है. बेयर एक्ट की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, प्लस जो भी बेयर एक्ट में हर एक सेक्शन के बाद कुछ इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं आपको उन इलस्ट्रेशंस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि वो सेम डिटो वही इलस्ट्रेशन आपको क्वेश्चन पेपर में दे दी जाती है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को गलत ना करें, इसलिए आपको इलस्ट्रेशंस पर भी फोकस करना होगा. प्लस जो भी इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो कि बहुत लैंडमार्क हैं, तो लैंडमार्क जजमेंट को आप ज़रूर याद करें. एक टेबल बना लें या कुछ रफ नोट्स बना लें जहाँ पर आप केस लॉज को लिखें और रिपीटेडली उन केस लॉज को रिवाइज करते रहें टाइम टू टाइम. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सॉल्विंग MCQs. जब भी आपको लगे कि आपने किसी भी बेयर एक्ट को प्रॉपरली पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, उसके बाद आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस सब्जेक्ट के MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करें. बिकॉज MCQ सॉल्व करने से क्या होता है कि जब भी आप MCQs लगाएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एकदम से आ रहे हैं, आपको एकदम से उनका आंसर आ रहा है एंड आप वो सही कर रहे हैं. बट कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे भी पाएंगे जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है या सोचने के बाद भी आप उसका सही आंसर नहीं बता पा रहे हैं. तो जब आप MCQ सॉल्व करेंगे तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपने बेयर एक्ट को कितने अच्छे से पढ़ा है, कौन से आपका बेयर एक्ट का ऐसा पोर्शन है जो कि आपने मिस आउट कर दिया है या जिस पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेक्शन को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट हम जब पेपर सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि यार ये तो क्वेश्चन पूछा गया, इट मींस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सो आप जब MCQ सॉल्व करेंगे तो उस समय आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपने बेयर एक्ट को कितने अच्छे से पढ़ा है. सो द बेस्ट थिंग ऑफ एनालाइजिंग योर प्रिपरेशन इज सॉल्विंग MCQs, सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स. ओके, तो ये तो बात हुई कि किस तरह से मेजर एक्ट और माइनर एक्ट्स को पढ़ा जाए. अब एक क्वेश्चन और जो है जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है एंड
सबके साथ ये दिक्कत होती है कि मेजर एक्ट को हर कोई पढ़ लेता है, बिकॉज मेजर एक्ट्स कॉमन है जो कि और जगह भी पूछे जा रहे हैं, डिफरेंट स्टेट जुडिशरीज में वो आते हैं, तो हमने मेजर एक्ट को वैसे भी पहले से अच्छे से पढ़ा होता है, हमारी उनके ऊपर कमांड होती है ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स की, ठीक है। लेकिन जो माइनर एक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि हमें समझ नहीं आता कि माइनर एक्ट ये तो हमने कभी इतना ध्यान से पढ़ा भी नहीं, अब एकदम से कैसे हम पंजाब कोर्ट एक्ट पढ़ें, कैसे हम एकदम से अब हरियाणा का अर्बन रेंट एंड एविक्शन एक्ट पढ़ें, इस चीज़ को लेकर के बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज रहते हैं। सो मैं आपको बताती हूँ कि वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ माइनर एक्ट्स, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द माइनर एक्ट की सीरीज स्टार्ट करूँ तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमें ये बात बताएं, ओके। एंड माइनर एक्ट्स के लिए भी आप यही कर सकते हैं कि जब आपको लगे कि आपका मेजर एक्ट का पोर्शन अच्छे से कवर हो गया है तो उसके बाद आप माइनर एक्ट्स को धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू करें, एंड उसमें भी सेम स्ट्रेटेजी अपनाएं कि बेयर एक्ट्स को देखें, बेयर एक्ट्स के बाद आप MCQs को सॉल्व करें, बिकॉज MCQ इज द की टू गेस द माइंड ऑफ द एग्जामिनर कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन बना रहा है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि अभी हाल फिलहाल में जब MP का एग्ज़ाम हुआ तो हमने एक चीज़ देखी, एक चीज़ नोटिस करी कि जो MP का पेपर है वो अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर से बहुत अलग आया, एकदम से हट के पेपर आया कि जो कि स्टूडेंट्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो आप हरियाणा के पेपर में ये गलती बिल्कुल भी ना करें, हरियाणा के पेपर के लिए आप इतने अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करें कि वॉट एवर द क्वेश्चन विल बी आप उसको आंसर कर सकें, ओके। इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर को देने जाएं कि आपको हो कि हाँ आप सही करके आएंगे। सो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें तो उनसे एनालाइज भी करें, समझें भी, बट आप ये माइंड में ना बिल्कुल भी सोचें कि जैसा प्रीवियस ईयर में पेपर आया सेम वैसा ही इस बार भी आएगा। आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, आपको हर चीज़ को किसी भी पॉइंट को मिस आउट नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट वी कम टू द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कट ऑफ को लेकर के भी बहुत से स्टूडेंट्स को एक डाउट बना रहता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है या हमें कितने मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करने हैं सो दैट हम एक सेफ साइड में रहें कि हाँ हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। सो इसके लिए बेस्ट थिंग इज़ कि हमने 500 मार्क्स देखे हैं कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो आपका 500 मार्क्स का है, एंड एज पर द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ मैं आपको बताती हूँ कि 500 में से अगर आप 350 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप एक बहुत ही सेफ साइड में हैं। 350 प्लस स्कोर करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो टोटल 125 क्वेश्चंस हैं उनमें से अगर आप 90 क्वेश्चंस एकदम सही करते हैं, एकदम सही मीन्स कि नेगेटिव मार्किंग को एक्सक्लूड करके अगर आप 90 क्वेश्चंस एकदम करेक्ट करते हैं सो 90 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 360 मार्क्स, तो आप 360 मार्क्स अचीव कर रहे हैं, एंड अचीविंग 360 आउट ऑफ 500 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। अगर आप 360 मार्क्स अचीव कर पा रहे हैं सो आप एक बहुत ही सेफ साइड में हैं एंड देर आर हाई चांसेस कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा, ओके। सो इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज करें। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, देखिए ये तो अभी कोई भी नहीं बता सकता बिकॉज आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिपीटेडली वेरियस टाइम्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स कैंसिल किए गए हैं। हरियाणा PCS का एग्ज़ाम भी हाल फिलहाल में कैंसिल किया गया एंड दिस सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक इज़ वेरी डिवास्टेटिंग, सो अभी लगता भी नहीं है कि जल्द ही कोई एग्ज़ाम हो पाएगा, बट अगर हम फिर भी एक गैस आउट करें सो हम समझ सकते हैं कि अभी 2 मंथ तो लगेंगे ये सब सिचुएशन सही होने में। सो आई एक्सपेक्ट कि अगस्त में एग्ज़ाम ये हो सकता है, समवेयर इन अगस्त द एग्ज़ाम माइट बी कंडक्टेड बट डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर सर्कमस्टांसिस कि फ्यूचर में क्या होता है। आपको लगता है कि एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाने के बाद आपको इतना सफिशियंट टाइम मिल पाएगा कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर सकें? आई डोंट थिंक सो। सो आई सजेस्ट कि आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, एंड फॉर योर हेल्प वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ मेजर एक्ट एज वेल एज माइनर एक्ट्स टू। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन।